दोस्तों जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज मैं आप सबके लिए दिवाली के पूरा दिन लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त मैं लेके आई हूँ। तो सुबह से लेके रात तक का मैं मुहूर्त बताऊँगी। तो बहुत सारे लोगों को दुकान में पूजा करना रहता है तो सुबह सुबह करते हैं और घर में शाम को पूजा करते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले सुबह का पूजा बताती हूँ। सबसे पहले दिवाली जो है वो 24 अक्टूबर 2022 सोमवार को मनाया जाएगा। और सुबह का जो पहला मुहूर्त है वो 6 बजे से लेकर 7:30 तक है, ये वृश्चिक लग्न है। और दूसरा जो स्थिर लग्न है सुबह 8:12 से शुरू होकर 10:28 तक है। और तीसरा जो शुभ मुहूर्त है वो 9 बजे से 10:30 तक शुभ का चौघड़िया मुहूर्त है। इसके बाद जो दोपहर का शुभ मुहूर्त है वो 1:30 से शाम को 6 बजे तक है। इसमें ना 3 शुभ मुहूर्त आ रहे हैं, चर, लाभ और अमृत, ये तीनों है, ये भी बहुत अच्छा मुहूर्त है। उसके बाद शाम को 5:43 से 7:18 तक है ये चर चौघड़िया मुहूर्त है। उसके बाद गौ धूली बेला है, ये 6:53 से 8:16 तक है। तो इसके बाद ये प्रदोष काल का है, 5:43 से 8:16 तक है। उसके बाद स्थिर लग्न है, स्थिर लक्ष्मी की जो पूजा करते हैं ये भी बहुत अच्छा लग्न है। सभी चाहते हैं कि स्थिर लग्न में पूजा करें, हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास हो। तो ये जो मुहूर्त है इसका 7:04 से 9:03 तक है, ये पूरा शाम तक का मुहूर्त। बहुत सारे लोग अपने मंत्र को जाप करते हैं या फिर अपने माला को सिद्ध करते हैं, तो कोई भी अपने जो भी उनके पास मंत्र रहता है उसको सिद्ध करने के लिए पूजा करते हैं। तो रात्रि का जो पूजा का समय है वो मैं बता दे रही हूँ आप सबको। सबसे पहला वाला जो है ये 10:30 से लेकर 12:05 पर है, इसको लाभ मुहूर्त बोलेंगे। और दूसरा जो है इसको निशीत काल बोलेंगे, ये 11:40 से लेकर 12:31 के तक है। और तीसरा सिंह स्थिर लग्न है, इसमें 1:33 से लेकर 3:41 तक है। तो ये सब सारे जो मुहूर्त है ये ज्योतिष के बताए हुए मुहूर्त है, तो इसमें आप अपने हिसाब से पूजा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि दूसरे दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है तो इसका जो सूतक होता है 12 घंटा पहले लग जाता है। तो आप मध्यकाल में रात्रि में जब लास्ट में सोने को जाने लगे तो वहाँ से अपने सामग्री को, जो पूजा का सामग्री है, भगवान की मूर्ति है या फिर जो भी आप सोना या पैसा रख के पूजा किए हैं वो सब अपने अपने स्थान पर रख दीजिए। जैसे लॉकर में अपने सामान को ले जाके रख दीजिए, मंदिर में भगवान जी को लक्ष्मी गणेश की जो मूर्ति है उनके भी विग्रह को रख दीजिए, जो भी सामान व्यवस्थित है सब रात को ही हटा दीजिए, क्योंकि सुबह सुबह सूतक लग जा रहा है भोर में ही और उसके बाद सूर्य ग्रहण लग रहा है तो आपको विसर्जन नहीं कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप अपने सामान को रात को नहीं हटा पा रहे हैं तो वहाँ पर तुलसी गंगा जल डाल के आप सबके ऊपर तुलसी का पत्ता रख के छोड़ दीजिए। जब आपका सूर्य ग्रहण समापन हो जाएगा तो स्नान करने के बाद फिर वहाँ से आप विसर्जन की चीज़ों को हटा दीजिए। कोशिश करिए कि आप रात को ही लास्ट में सोने का टाइम हटा दीजिए। तो बस यही मेरा आज का जानकारी था। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलना। जय माता की, राधे राधे आप सब।